हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आवजा टेक्निकल हंट पर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम नया सॉफ्टवेयर जो है शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्यूजन 360। जी हाँ दोस्तों, ऑटोडेस्क के समान ही फ्यूजन 360 भी जो है ऑटोडेस्क का ही एक सॉफ्टवेयर है या एक प्रोडक्ट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप अगर कोई 3D मॉडलिंग बनाते हैं तो वो काफी इजी होती है। अगर आप नए हैं और आप सीखना चाहते हैं तो आप फ्यूजन 360 से ही सीखना शुरू कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट फ्रेंड जो है बेसिकली इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। काफी सारी इंडस्ट्री जो है अपने कैड कैम और सीए पर्पस के लिए जो है इस सॉफ्टवेयर को यूज करती है। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं जो है आपको सिखाऊंगा कि कैसे हमें इसमें 3D मॉडलिंग वगैरह बनाते हैं, कैसे हम इसमें एनिमेशन कर सकते हैं, कैसे हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोड जनरेट कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं फ्रेंड, इनके बारे में हम आगे सीखते जाएंगे। तो बेसिक से फ्रेंड मैं इसको स्टार्ट करूंगा और एडवांस तक इसको लेकर जाऊंगा। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं सबसे पहले इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। इससे पहले वीडियो में हमने कुछ आपको प्रोजेक्ट बताए थे, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को क्रम बाय क्रम हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड हम सीखेंगे कि एलईडी बल्ब जो है वो फ्यूजन 360 पे कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड हम बेसिकली तीन टूल्स को यूज करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा स्फेयर फ्यूचर, देन फ्रेंड यहाँ पे हमारा आता है चैम्फर टूल, एंड देन उसके बाद आता है थ्रेड टूल। तो इन्हीं तीन टूल्स को यूज करते हुए हम जो है फ्यूजन 360 के अंदर एक एलईडी बल्ब बनाना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हमको इसमें जो है ये चीज बनानी है। कि जो वीडियो है वो हमारे बेसिकली बेस्ड है फ्यूजन 360 पे। जी हाँ दोस्तों, ये ऑटोडेस्क का जो सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड के समान ही है। इसका नाम है ऑटोडेस्क फ्यूजन 360। तो यहाँ पर आपको फ्रेंड हमारी इस कंप्यूटर पर ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 का पूरा बैकग्राउंड दिख रहा होगा। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है हमको यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर फ्रेंड हम अपनी जो पहली वीडियो इसकी शुरुआत कर रहे हैं एलईडी बल्ब से। तो हमारे जो फ्रेंड टोटल 12-13 जो प्रोजेक्ट्स हैं, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पे मैंने आपको ये कुछ प्रोजेक्ट्स बताए थे। तो यहाँ पे फ्रेंड हम शुरुआत कर रहे हैं एलईडी बल्ब से। तो हम यहाँ पे बेसिकली तीन कमांड जो है वो यूज करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा स्फेयर फ्यूचर, चैम्फर और थ्रेड। इन तीन कमांड्स को यूज करते हुए हम एलईडी बल्ब जो है यहाँ बनाएंगे। काफी इजी सॉफ्टवेयर है, और अगर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं या चाहते हैं कि आप भी इस पर वर्क करें, तो इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की इजी तरीके से, कि आप कैसे जो है यहाँ पर 3D मॉडल बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड अगर आप इंडस्ट्रियल पर्पज से भी अगर इस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं, जैसे कैम सीए वगैरह में, तो इस सॉफ्टवेयर को आप इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आगे मैं एडवांस तक जाऊंगा, एडवांस में भी आपको बताऊंगा कि कैसे इस सारी सारी चीजें जो है इसमें होती हैं। तो चलिए हम यहाँ सीख लेते हैं कि कैसे हमको यहाँ पर एलईडी बल्ब जो है वो बनाना है। सबसे पहले फ्रेंड हम यहाँ पर एक सिलेंडर ड्रॉ करने वाले हैं। इसके लिए फ्रेंड यहाँ पर मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेता हूँ। लेकिन इससे पहले फ्रेंड हमको यहाँ पर एक्सिस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको ब्लू, रेड और ग्रीन लाइंस दिखाई देती हैं, ये हमको एक्सिस बताती हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्सिस। और अगर आपको यहाँ यूँ नहीं पता चलता है कि यार ये कौन सा एक्सिस होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ओरिजिन पर जा सकते हैं, और ओरिजिन पर जाकर के एक्स वाई एक्स जेड या वाई जेड में से एक्सिस जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड मैं एक्स जेड एक्सिस जो है वो ले लेता हूँ। एक मिनट, मैं अगेन यहाँ पर एक सिलेंडर ले लेता हूँ सबसे पहले। तो आप डायरेक्टली यहां से भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो यहां से भी ले सकते हैं। तो ये हमारा एक्स जेड एक्सिस हो गया। तो हमको एक्स जेड एक्सिस नहीं चाहिए यहाँ पर, हमको चाहिए यहाँ पर ये वाला एक्सिस। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये नीचे वाला एक्सिस। ओके, तो ये हमारा वाई जेड एक्सिस हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आप एक्सिस ले सकते हैं। अगर हमको एक्स वाई चाहिए तो हम एक्स वाई एक्सिस ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग एक्सिस यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये नीचे वाला एक्सिस ले रहा हूँ सिलेंडर के लिए बनाने के लिए, है ना। तो मैं ये हमारा जो एक्सिस है वो एक्स वाई एक्सिस है। आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ उसको, तो ये यहाँ पर शो कर रहा है कि ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, ये आपका वाई जेड एक्सिस है, और ये आपका एक्स जेड एक्सिस है। तो यहाँ से मैं यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेता हूँ 30 और 40 का। 30 हमारी विड्थ रहेगी, एंटर, एंड हमारी जो यहाँ विड्थ रहेगी वो रहेगी 40 की। ओके,
तो ये हमारा सिलेंडर यहाँ पर बेसिकली ड्रॉ हो चुका है। ये काफी इजी हो गया है ना, आप समझ गए होंगे कैसे आपको ड्रॉ करना है। ये सिलेंडर हमारा ड्रॉ हो गया। अब फ्रेंड यहाँ पर मुझे इस सिलेंडर के सेंटर पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम डायरेक्टली यहाँ लाइन को चूज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर लाइन पर क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पर आपकी जो लाइन कमांड होगी वो आ जाएगी, है ना। अब फ्रेंड हमको यहाँ से एक्स जेड एक्सिस लेना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ क्लिक करेंगे तो एक्स जेड एक्सिस आएगा, या आप इस ओरिजिन पर क्लिक करेंगे तो भी आपका एक्स जेड एक्सिस आ जाएगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली एक्स जेड एक्सिस ले लेता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, तो आप इसके सेंटर से इस पॉइंट पर, आपको ये पॉइंट दिखा होगा यहाँ पर, इसके सेंटर टू सेंटर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी आपको हाइट रखनी है 20। ओके, अब मान लीजिए कि मैंने लाइन बना दी और मैंने कोई अभी यहाँ पर वैल्यू नहीं डाली, तो आपको यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है, वो है डायमेंशन का। तो आप यहाँ डी पर क्लिक कीजिए, या फिर आप यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ स्केच पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ डायमेंशन का, स्केच डायमेंशन का ऑप्शन मिलता है, या फिर आप अगर डायरेक्ट डी भी लेंगे तो भी आपका डायमेंशन जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये डायमेंशन का ऑप्शन आ गया, और यहाँ से मैं इसका डायमेंशन दे देता हूँ 20। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर इसे ऑर्बिट करके बता देता हूँ। तो ये देखिए ये सेंटर में हमारी जो लाइन थी वो आ चुकी है। अब मैं इस लाइन को कंस्ट्रेंट लाइन में कन्वर्ट करूंगा। इसके लिए फिर हमारे पास में जो कमांड आता है वो आता है एक्स एक्सिस, एक्स कमांड। तो यहाँ मैं एक्स कमांड को जैसे ही एक्स पर क्लिक करूंगा कीबोर्ड पे, तो ये हमारी जो लाइन है वो कंस्ट्रेंट लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया हमारी लाइन का। ओके, लाइन वाला पोर्शन कंप्लीट। अब यहाँ पे फ्रेंड हमको एक स्फीयर बनाना है। स्फीयर बनाने के लिए मैं यहाँ से स्फीयर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 60 का आ गया है। अगर नहीं आता तो मैं यहाँ पर, हमको बता रहा है कि आप यहाँ वैल्यू डालिए, यहाँ पे आप डायमीटर डालिए, तो मैं यहाँ 60 डाल देता। यहाँ पे हमको एडवांस ऑप्शन मिलता है, अलग अलग ऑपरेशन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप ज्वाइन, कट, इंटरसेक्ट, न्यू बॉडी, न्यू कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ज्वाइन कमांड यूज कर लेता हूँ एंड देन ओके। ओके, तो यहाँ पे हमने सिलेंडर, लाइन और स्फेयर, ये तीन चीजें ही यूज की हैं, है ना। अब फ्रेंड मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ इसको रोटेट करके बताता हूँ। अब यहाँ पर फ्रेंड आपको बेलन के जो ऊपर वाला सरफेस है वहां पे यूज करना है चैम्फर कमांड। उसके लिए फ्रेंड आपको जाना है यहाँ मॉडिफाई पे, और देन यहाँ पे हमको चैम्फर कमांड का ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले अभी यहाँ पे हमको एक फ्लिट कमांड यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फ्लिट कमांड ले लेते हैं। आप यहाँ पर जाके मॉडिफाई पे जाके फ्लिट कमांड ले सकते हैं, या डायरेक्टली अगर आप एफ को क्लिक करते हैं तो भी आपका फ्लिट ऑप्शन जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स हमको यहाँ दिखाई देता है। ओके, अब यहाँ पर फ्रेंड हमको कह रहा है कि आप जिस फेस को या जिस फीचर या जिस एज को फ्लिट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 45 mm। ओके, देन यहाँ पे मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब फ्रेंड यहाँ पर हमें इस बल्ब का जो ये नीचे वाला हमको जो सरफेस दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी फ्लिट कमांड अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैं डायरेक्ट एफ कमांड ले लेता हूँ। देन ये हमसे पूछा है कि सेलेक्ट कोई जो आपको फेस फ्लिट करना है, या जो एज आपको फ्लिट करनी है, जो फ्यूचर आपको फ्लिट करना है उसको सेलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर ये पूछा है कि कितना रेडियस आपको चाहिए फ्लिट करने के बाद, तो मैं यहाँ पर 5 दे देता हूँ। ओके, तो ये देखिए अब हमारे पास में ये जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, अब फ्रेंड हमको इस बल्ब का ये जो नीचे वाला पोर्शन है आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इस पोर्शन को सेलेक्ट करना है। अब मैं अगर यहाँ पे इसको डायरेक्टली सेलेक्ट करता हूँ तो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट स्केच करना होगा एंड देन यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना होगा। तो ये हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पर हम अगेन एक बेलन जो है वो ड्रॉ करेंगे, सिलेंडर जो ड्रॉ करेंगे। तो मैं सिलेंडर पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से इस तरीके से, और इसकी जो मैं वैल्यू है वो दे देता हूँ यहाँ पर 15। ओके, तो ये बेलन हमारा यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है, ये देखिए। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पर फ्रेंड हम यूज करने वाले हैं थ्रेड कमांड।
तो ट्रेड कमांड के लिए हमारे पास में यहाँ मॉडिफाई पे सॉरी क्रिएट पे जाना है आपको, एंड देन यहाँ से आपको ये जो ट्रेड कमांड आपको दिखाई दे रहा है उसे सेलेक्ट करना है यहाँ पर। ओके देन यहाँ से पूछा है जिस फेस को आपको ट्रेड करना है उसको सेलेक्ट कीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये बैलेंस यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है उस पर ट्रेड कमांड यूज हो, तो ये हमारा ट्रेड कमांड यहाँ आ चुका है। उसके बाद फ्रेंड देन यहाँ पर आपको फुल लेंथ को हटाना है, यहाँ पे फुल लेंथ का जो क्लिक था यहाँ से आपको इसे हटाना है और मॉडल पे क्लिक करना है। ओके देन यहाँ पे पूछा है आपको कितना ऑफसेट चाहिए, तो हमको 5 का ऑफसेट चाहिए, तो मैं 5 का ऑफसेट दे देता हूँ। अब यहाँ से फ्रेंड हमारा जो बल्ब है वहाँ पर एक स्टैंडर्ड ट्रेड जो है वो बनता है। उसके लिए फ्रेंड हमारे पास ऑप्शन होता है ANSI मैट्रिक्स एम प्रोफाइल, हमको इसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पे हमको इसे ओके करना है। तो ये देखिए हमारा ट्रेड कमांड यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब देन फ्रेंड यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं चैम्फर कमांड, उसके लिए हम यहाँ क्रिएट पे जाते हैं सॉरी यहाँ पे हम जाएंगे मॉडिफाई पे, और मॉडिफाई पे जाके हमें यहाँ पर चैम्फर कमांड जो है वो सेलेक्ट करना है। देन यहाँ से पूछता है कि आपको किस जगह को ट्रेड करना है, आपको किस जगह को चैम्फर करना है, तो यहाँ पे आपको उस एज को सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर हमारे इस बेलन के नीचे वाले भाग को चैम्फर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ मैं वैल्यू दे देता हूँ 5 की, देन ओके। तो ये देखिए हमारा जो नीचे वाला पोर्शन था वो यहाँ पर क्या हो गया, चैम्फर हो चुका है ना, देख रहे हैं फ्रेंड यहाँ पर आप, ये देखिए इस तरीके से है ना। अब फ्रेंड हमें अगेन इस जो हमने अभी बेलन चैम्फर किया था उसका नीचे वाला पोर्शन वापस चाहिए, क्योंकि हमको वहां पे एक बेलन और बनाना है। तो इसके लिए फ्रेंड यहाँ पे हम अगेन क्या करेंगे, क्रिएट स्केच, और यहाँ से इस नीचे वाला जो भाग है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पर हम अगेन एक बेलन जो है ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड यहाँ पे हम अगेन यहाँ चले जाते हैं क्रिएट पर, और यहाँ से हम एक बेलन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ओके और इसकी जो हाइट जो है वो मैं दे देता हूँ 2 की। ओके तो ये देखिए देखिए फ्रेंड ओके है ना। अगेन हम यहाँ पे यूज करेंगे चैम्फर कमांड, तो चैम्फर कमांड के लिए हमें जाना है मॉडिफाई पे, और यहाँ हम क्लिक करेंगे चैम्फर को है ना। देन यहां से मैं इसको थोड़ा सा ऑर्बिट करके आपको बताता हूँ इस तरीके से ये ऑर्बिट होगा। ओके और यहाँ से मैं इस नीचे वाले जो हमारा फेस है या जो एज है उसको चैम्फर करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। इस एज को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं 2 mm का जो है चैम्फर ले लेता हूँ है ना। तो आप देखेंगे तो ये देखिए हमारा जो बेसिक बल्ब है या बल्ब की जो हम शेप बोल सकते हैं वो यहाँ ड्रॉ हो चुकी है ना। अब फ्रेंड यहाँ पे हम देंगे कलर जैसा कि हम ऑटो कैड में देते थे। इसके लिए फ्रेंड हमको जाना है मॉडिफाई पे और यहाँ पर क्लिक करना है अपीयरेंस पे। तो यहाँ पे फ्रेंड हमको बाय डिफॉल्ट बहुत सारे कलर जो है अलग अलग यूज के लिए मिल जाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ नीचे चला जाता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पे इसके नीचे वाले पोर्शन पर फिनिश कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, तो अभी आप देखेंगे ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है ना, और मैं चाहता हूँ ये नीचे वाला पोर्शन भी हमारा जो हो यहाँ पे हम कलर दें। तो सबसे पहले हम मॉडिफाई पे चले जाएंगे और यहाँ से अपीयरेंस पर क्लिक करेंगे, तो ये हमारा अपीयरेंस जो है सेलेक्ट हो गया। देन उसके बाद में हम यहाँ पे अलग अलग मटेरियल जो है दे सकते हैं, तो यहाँ से मैं इसका वैक्स दे देता हूँ। ओके यहाँ से मैं इसको अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगेन मैं मॉडिफाई पे जाता हूँ अपीयरेंस। ओके यहाँ पर तो मैं इसके नीचे वाले पोर्शन को भी अपीयरेंस यहाँ पर वैक्स कलर जो है दे देता हूँ। जब हम अपीयरेंस पर क्लिक करते हैं फ्रेंड यहाँ पे आप देखेंगे तो हमको अलग अलग मटेरियल जो है अलग अलग फॉर्म में दिखाई देते हैं, जैसे फिनिश ग्लास, अगर आपको लिक्विड फॉर्म में चाहिए लिक्विड फॉर्म में मिल जाएंगे, अगर आपको प्लास्टिक फॉर्म में चाहिए तो प्लास्टिक फॉर्म में, मिरर में चाहिए मिरर में, मेटल पर चाहिए तो मेटल पर आपको, तो अलग अलग कलर्स के ऑप्शन आपको फ्यूजन 360 में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से मैं इस ऊपर वाले पोर्शन पर ले लेता हूँ ये वाला प्लास्टिक वाला, तो सबसे पहले हमको इसको सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड अभी यहाँ पे हमारा सेलेक्ट नहीं हो रहा है,
ओके पूरा सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन यहाँ पर मॉडिफाई पे जाता हूँ और यहाँ से अपीयरेंस को सेलेक्ट करता हूँ और नीचे जा कर के इस प्लास्टिक वाले पोर्शन को सेलेक्ट करता हूँ, है ना। ये देखिए यहाँ पे हमको अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं, जैसे एबीएस वाइट, आपको अगर एस्टर रियल वाइट चाहिए तो आपको एस्टर रियल वाइट मिल जाता है, या फिर आप न्यूट्रॉन 6.6 वाइट ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली एबीएस वाइट ले लेता हूँ इस तरीके से, है ना। और यहाँ से मैं नीचे वाले पोर्शन को कलर देना चाहता हूँ, तो यहाँ से हम डायरेक्टली थ्रेड को सेलेक्ट करेंगे, ओके देन यहाँ जाते हैं मॉडिफाई पे, देन मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ अपीयरेंस को और यहाँ से मैं ले लेता हूँ अगेन, सबसे पहले मैं यहाँ इसको नीचे सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन मॉडिफाई अपीयरेंस, ओके ओके। तो फ्रेंड यहाँ से हम कलर दे देते हैं, यहाँ से मैं ले लेता हूँ पिक और यहाँ से मैं कलर चूज कर लेता हूँ सबसे पहले, ओके थोड़ा सा मैं इसको यहाँ रोटेट कर लेता हूँ सबसे पहले, और मैं इस पार्ट को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन अपीयरेंस पे जाते हैं हम और यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ पे वैक्स कलर लेता हूँ और यहाँ पर ये वैक्स कलर यहाँ दे देता हूँ, देन यहाँ से हमको लेना है थ्रेड, चूंकि हमको यहाँ पे नीचे थ्रेड पे भी जो कलर है वो देना है, तो यहाँ पे हम मेटल कलर दे सकते हैं, तो मेटल कलर के लिए सबसे पहले हमको इसको सेलेक्ट करना है। तो आप अलग अलग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरा नहीं चाहे तो आप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग सेलेक्ट करके आप कलर दे सकते हैं। मॉडिफाई पे जाएंगे, अपीयरेंस पे जाके एंड देन यहाँ से मैं ये मेटल कलर ले लेता हूँ यहाँ पर, ओके तो ये हमारा मैटर कलर यहाँ पे हो चुका है, ओके फ्रेंड। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो ये बल्ब है वो ड्रॉ हो चुका है कम्प्लीटली, यहाँ पे हमने बना दिया है। अब फ्रेंड इसके अंदर की तरफ आपको कुछ एजेस दिखाई दे रही होंगी, तो इसको हमें यहाँ से बेसिकली हटाना है, तो इसके लिए फ्रेंड यहाँ पे हम बॉडीज पे क्लिक करते हैं, तो ये पूरी बॉडी यहाँ से हट गई, और यहाँ से हम स्केच पर क्लिक करते हैं तो वो देखिए फ्रेंड आपकी जो स्केच थी अंदर वाली वो यहाँ से जा चुकी है, तो ये देखिए। तो ये फ्रेंड हमारा जो बल्ब है वो एलईडी बल्ब जो था यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। तो फ्रेंड काफी इजी मेथड है, आप काफी इजी तरीके से फ्यूजन 360 पर जो है इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको जो पसंद आया होगा, फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे से आगे तक अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो कुछ सीख पाए, कुछ जान पाए। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, गुड बाय।